anytime on 99acres.com. आईटीएल का वक्त है और जबरदस्त बढ़त के साथ किसने बाजी मारी ये आपको बताऊंगा, लेकिन देखते हैं इस समय के लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं। और वो जो एक ट्रेंड आपको हमने बताया कि जबरदस्त तेजी चल रही है, चैतन्य जायसवाल 250% का रिटर्न इन्होंने कमाया, कमाल कर दिया। मतलब इतना तो मार्केट में शायद ही किसी ने एंटिसिपेट किया हो। वही महेश को भी आप देखिए, 150% से ज्यादा का रिटर्न इन्होंने कमाया है। महिला वाली लीग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे शानदार रिटर्न कमाया है ज्योति कुशवाहा ने 150% का। और ये कोइंसिडेंस है कि ज्योति और चैतन्य हस्बैंड वाइफ हैं, ये कपल ने पहली बार की बाजी मारी है। और मंजू अग्रवाल को भी आप देखेंगे विमेन लीग में 68% की शानदार रैली यहां पे इन्होंने दिखाई। कमोडिटी वाले में अगर आप देखें कि वहां किसने बाजी मारी है तो वहां पे संदीप 97% कमोडिटी, जो आमतौर पर बड़ा सुस्त कारोबार माना जाता है, हालांकि पिछले हफ्ते काफी उठापटक थी उसमें चाइना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद 100% का रिटर्न एक एक हफ्ते में, इतना जबरदस्त रिटर्न, वाकई कमाल की बात है। लेकिन मिलने का वक्त है इस समय चैतन्य जायसवाल और ज्योति कुशवाहा से, जिन्होंने पिछले हफ्ते बाजी मारी, उस हफ्ते के विनर रहे और दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य और ज्योति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्म किया, इसके लिए आपको बधाई। चैतन्य 250% की जोरदार कमाई की है और इन्होंने जो ट्रेड्स बनाए, खुद इनसे बातचीत करते हैं। चैतन्य बहुत बधाई आपको, बताइए कैसे। धन्यवाद। हाँ, क्या ट्रेड इनिशिएट किया था और कैसे किया था? सर एक्चुअली में एस्टर ऑयल काफी दिन से बढ़ रहा था, कंटिन्यूस हम वॉच कर रहे थे और उसमें मतलब शॉर्ट खेल रहे थे हम लोग, शॉर्ट खेल के स्टॉप लॉस लगा रहे थे। ओके। और वो मतलब थर्सडे, आई थिंक थर्सडे के दिन हमने उसको शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद वो कंटिन्यू डाउन आते गया और दूसरा उसका वेट करा, उसका हमने वेट कर लिया उसका। मतलब लॉस स्टॉप लॉस लगाया था हमने 4 रुपए का और प्रॉफिट में हम लोग कम से कम 12-13 रुपए। ओके। और दूसरा भी आपका साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टॉक था जिसमें कमाई की आपने? यस यस, एफटी में भी काम किया था हमने। अच्छा, एफटी में तो एक लास्ट वीक थोड़ा सा एक न्यूज फ्लो भी था जिसकी वजह से था शायद आपको ज्यादा गेन हुए होंगे। हाँ, वो उसका 163 का हमारा मतलब एक था, 163 का, तो 163 का स्टॉप लॉस आगे सेल किया उसको। ओके। तो आपकी धर्मपत्नी ज्योति भी हमारे साथ लाइन पर। ज्योति बहुत बधाई, 150% की कमाई आपने भी शानदार करी है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, कौन से स्टॉक्स पे आपने लगाया फोकस? थैंक यू सो मच सर। बाकी हमने ऐसा रवि काफी अच्छा काम किया, हमने 4 से 5 डेज उसको वॉच किया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेल पे बैठे थे। तो एसआर ऑयल और एफटीआईएल दोनों आपके भी थे? हाँ जी। तो ये कैसे मिलके स्ट्रेटजी बनाते थे या दोनों लोग अलग अलग आपस में कॉम्पीट भी करते थे? जी नहीं, साथ में ही था हमारा, मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट है इसमें। अच्छा, एक दूसरे की हेल्प भी करते थे कि ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, राइट? हाँ जी सर। तो चैतन्य सर, ये बताइए कि फिर तो मतलब आपके घर का पूरा माहौल स्टॉक में होगा, नाश्ते के समय, लंच के समय, डिनर के समय, दिन भर शेयरों की बातें होती होंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि दिन भर शेयर की बात होती रहती है। हाँ, मेरे फादर भी है, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। अच्छा। कभी कभी वो भी मतलब इसमें हम लोग गाइड करते हैं कि नहीं ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ज्योति, जो दोपहर वाले सीरियल्स आप देखती हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं सीरियल नहीं देखती हूँ। क्या देखती हूँ, सीएनबीसी आवाज देखती रहती हूँ? हाँ जी, सीएनबीसी आवाज देखती हूँ, बाकी सीरियल का शौक नहीं है मुझे। ओके। तो देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है कि आप सास बहू वाले सीरियल से थोड़ा अलग हटेंगे ना तो कमाई भी आप कर सकेंगे और सीएनबीसी आवाज लगातार देखते रहिए, यहीं पे आपको कमाई के मौके मिलते हैं। तो चैतन्य और ज्योति, आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और एक बार से फिर से ये उम्मीद करेंगे कि आप अगले हफ्ते में भी अपनी पोजीशन बनाएंगे और एक बार फिर से विनर बनेंगे। लेकिन ज्योति और चैतन्य की तरह आप भी जीत सकते हैं और शानदार कमाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि indiantradinglist.com में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको 25,000 रुपए की रकम वहां पे रखनी होगी। जरूरी नहीं कि आप ये कैश में रखें, आप शेयर में भी रख सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट करिए। ट्रेड चाहे कितना भी बड़ा हो, तो आपके लिए मौका है इसके साथ ही इनाम जीतने का जो 1 करोड़ तक का हो सकता है। तो लगे रहिए इंडियन ट्रेडिंग लीग में और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।